अस्सलाम वालेकुम। आज हम बनाएंगे अंगारा चिकन और तवा नान। तो चलिए अब हम बनाना शुरू करेंगे। तो सबसे पहले अब हम बना लेंगे अंगारा चिकन। तो इसके लिए सबसे पहले अब हम टमाटर की प्यूरी बना के रेडी कर लेंगे। ये है 4 बड़े साइज़ के टमाटर, तो इसको आधे आधे कट करके इसके अंदर डाल दीजिए और इसके बाद में इसको हम ब्लेंड कर लेंगे। ये देखिए, ये प्यूरी बन के अब रेडी हो गई। और ये है 25 बादाम, 10 से 15 काजू ऐड कर लेंगे और इसको भी अब हम थोड़ा सा पानी ऐड करके इसका पेस्ट बना के रेडी कर लेंगे। तो ये देखिए, काजू और बादाम का पेस्ट भी अब बिल्कुल रेडी है। और अब हम अंगारा चिकन के लिए एक मसाला पाउडर बना के तैयार कर लेंगे। तो ये है 8 इलायची, 6 दालचीनी के टुकड़े, 2 तेज़पत्ता, ये है 8 से 10 लौंग, ज़ीरा 1 टेबलस्पून, धनिया 1 टेबलस्पून, और ये है 8 लाल सूखी मिर्च। तो ये सब चीज़ों को हम एक साथ में करके भून लेंगे। तो 5 मिनट के लिए भूनेंगे हम लो हीट पे रख के। देखिए अब ये मसालों का कलर भी चेंज हो गया। तो अब हम फ्लेम ऑफ करके इसको पीस के पाउडर बना के रेडी कर लेंगे इसका। और ये है 1.5 किलो चिकन। तो अब हम इसकी मैरिनेशन कर लेंगे और इसके लिए 2 टेबलस्पून अदरक लहसुन का पेस्ट है ये, लाल मिर्च पाउडर 2 टेबलस्पून, हल्दी पाउडर 1 टीस्पून ऐड कर लेंगे, नमक 1 टेबलस्पून ऐड कर लेंगे। तो आप अपने टेस्ट के हिसाब से इसके अंदर ऐड कीजिए। 2 टीस्पून ऐड कर लेंगे काली मिर्च पाउडर, और ये है दही 250 ग्राम। तो ये वही पाउडर है जो हमने कढ़ाई में सारे सूखे मसालों को भून के पाउडर बना के रख लिया था। तो इसी के अंदर से हम 1 टीस्पून थोड़ा सा पाउडर निकाल के रख लेंगे, बाकी का इसके अंदर ऐड कर लेंगे। तो 1 टीस्पून जो है लास्ट में हमको स्मोकी फ्लेवर देने के लिए कोयले के ऊपर डालने के लिए रखना है। और अब हम इसको अच्छे से मिलाकर इसको रख देंगे लगभग 1 घंटे के लिए। और अब हम अंगारा चिकन बनाने के लिए एक भगोने के अंदर कुकिंग ऑयल ऐड कर लेंगे। तो कुकिंग ऑयल जो है आप अपने हिसाब से इसके अंदर ऐड कीजिए। तो 100 ml कुकिंग ऑयल ऐड करी मैं इसके अंदर। और ये है 2 मीडियम साइज़ की बारीक चॉप की हुई प्याज। तो इसको बादामी कलर होने तक हमको फ्राई करना है। और इसके बाद में इसके अंदर अदरक लहसुन का पेस्ट ऐड करेंगे 1 टीस्पून। तो चमचे से हिला लेंगे हम थोड़ा सा अदरक लहसुन का पेस्ट ऐड कर लेने के बाद में। और टमाटर की प्यूरी ऐड कर लेंगे इसके अंदर। तो टमाटर को भूनने के लिए रख देंगे हम, चमचा भी हिलाते जाएंगे। तो ये देखिए, 8 से 10 मिनट तक हमने इसको लो हीट पे रख के भून लिया था टमाटर को। ऑयल भी जो है बहुत अच्छे से सेपरेट हो गया। अब हम इसके अंदर ऐड करेंगे मैरिनेटेड चिकन और इसको अच्छे से मिला लेंगे हम। और अब एक ढक्कन से बंद कर देंगे इसको। तो लगभग इसको पकने के लिए रख देंगे अब हम 25 से 30 मिनट के लिए मीडियम हीट पे, और बीच बीच में हिलाते भी जाएंगे। तो ये देखिए, 25 से 30 मिनट तक हमने इसको पका लिया है। ये चिकन भी बहुत अच्छे से गल गया। अब ये काजू बादाम का पीसा हुआ पेस्ट, वो ऐड कर लेंगे। तो इसको भी अब हम भून लेंगे लगभग 5 से 6 मिनट के लिए। तो ये देखिए, चिकन जो है बहुत अच्छे से भुने गया काजू बादाम का पेस्ट ऐड कर लेने के बाद में। अब हम इसको एक स्मोकी फ्लेवर दे देंगे। तो हम कोई भी कटोरी या तो फिर एल्युमिनियम फॉइल को भी कटोरी की तरह बनाकर आप इस तरह से रख के कोयले, गरम किया हुआ कोयला जो रहता है इसके अंदर इस तरह से रख देंगे हम। और इसके ऊपर से जो थोड़ा हमने अंगारा चिकन के लिए जो मसाला पाउडर बनाया था वो 1 टीस्पून ऐड कर लेंगे, और थोड़ा सा घी ऐड कर लेंगे और ढक्कन से बंद करके रख देंगे। तो इसको अब हम 10 मिनट के लिए रख देंगे लो हीट पे। तो ये देखिए, अब ये 10 मिनट हो गए। तो अब हम ढक्कन निकाल लेंगे और अब हम ये कोयले को भी बाहर निकाल लेंगे। तो ये देखिए, अब ये जो अंगारा चिकन है बनके तैयार हो गया।
और अब हम फ्लेम ऑफ कर लेंगे। अंगारा चिकन तो बनके अब तैयार हो गया, तो चलिए अब हम इसके साथ में सर्व करने के लिए तवा नान बना लेंगे। तो चलिए अब हम बनाना शुरू करेंगे। तो इसके लिए लेंगे हम ये है 500 ग्राम मैदा, शक्कर 1 टीस्पून और नमक 1 टीस्पून, यह है कुकिंग सोडा 1 टीस्पून, बेकिंग पाउडर 1 टीस्पून, दही ऐड कर लेंगे 1 कप, यानी के लगभग 100 ग्राम दही है ये, और इसको अच्छे से मिला लेंगे। अब हम थोड़ा थोड़ा पानी ऐड करते जाएंगे और आटे को गूंथते जाएंगे। तो आटे को हम सॉफ्ट गूनेंगे, ज़्यादा हार्ड भी नहीं और बिल्कुल नरम भी नहीं, पतला भी नहीं रहना। तो ये देखिए अभी आटा अच्छे से गूंधे गया। तो आटा गूंदने के टाइम पे अगर आपके हाथों पर चिपकते गया तो इस थोड़ा सा कुकिंग ऑयल इस हथेली पर लगा के आप गूंधते जाएंगे। तो जब आटा अच्छे से गूंधे जाएगा हम इसके ऊपर थोड़ा सा कुकिंग ऑयल लगाएंगे ताकि इसके ऊपर पापड़ी ना बने। और अब हम इसको ढक्कन से ढाँप के लगभग 2 से 3 घंटों के लिए रख देंगे, ये जो आटा है वो अच्छे से फूल जाना। तो ये देखिए अब ये 2 से 3 घंटे हो जाने के बाद में आटा साइज़ में डबल हो गया, अच्छे से फूल गया। तो हम इसको फिर से गूंध लेंगे। तो इसको अच्छे से गूंध लेने के बाद में अब हम इसके पेड़े बना के रख लेंगे। और अब हम गिरदे के ऊपर थोड़ा सा सूखा आटा डस्ट करेंगे और पेड़े को रख के बेलेंगे। तो इसको ज़्यादा पतला भी नहीं और मोटा भी नहीं, मीडियम बेलेंगे। तो इसको बेल लेने के बाद में अब थोड़ा सा पानी लगाएंगे इसके ऊपर से। तो पूरी रोटी को पानी लगाइए, पूरा कच्चा कर दीजिए। तो कच्चे वाली जो साइड है हम तवे पे चिपकाएंगे इसको, तवे को हाई हीट पे गरम करेंगे और इसके ऊपर डाल देंगे इस तरह से। ये देखिए इसके बबल्स आ रहे हैं अब। तो इसको हम उल्टा कर लेंगे तवे को और इस तरह से भाप देंगे। तो इस तरह से हमको सेक लेना है। तो आप लोग ट्राई करके देखिए, बहुत अच्छी बन के तैयार होती है नान। तो इसी तरह से हम सारे नान बना के तैयार कर लेंगे। तो पीछे वाली साइड भी देख लीजिए आप, ये देखिए। तो इसी तरह से हम सेक लेंगे। अब ये तवा नान बिल्कुल रेडी है सर्व करने के लिए। तो बिल्कुल हम इसी तरह से सारे तवा नान बनाकर रेडी कर लेंगे। तो नान बन जाने के बाद में अब हम इसके ऊपर से थोड़ा सा घी या तो फिर बटर, जो भी आप लोगों को पसंद है, गरम गरम में इसको लगा कर रख देंगे इस तरह से। अंगारा चिकन और तवा नान की रेसिपी को एक साथ में दोनों को ज़रूर ट्राई करके देखिए। और अगर ये रेसिपीज़ अच्छे लगते हैं तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।